बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अमेरिका से ये वीडियो लॉग बना रहा हूँ और आप लोगों से दो तीन बातें शेयर करनी है। इस वक्त शाम के 5:30 बजे हैं अमेरिका में शाम के, और 2 सितंबर 2020 का साल है ये। और पहली बात, कराची के अंदर बारिश। दूसरी बात, सूबा। और तीसरी बात, 9/0। ये तीन बातों पे आज बात होगी। इस पे थोड़ा सा तबसरा, बराए मेहरबानी आप लोग इसको गौर से सुने। पहली बात, बारिश का पानी। बारिश का पानी कैसे जमा हुआ कराची के अंदर, जब इतने ज्यादा लोग वहां पे हैं तो ये निकासी का निजाम खराब क्यों हुआ? पहली बात, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट सो रही थी जब ये महकमा मौसमियात वाले अनाउंस कर रहे थे कि बारिश आ रही है, बारिश कराची के अंदर बहुत ज्यादा होगी, तो इन लोगों ने जो आफतज़दा इलाके थे उनको खाली क्यों नहीं कराया? आप दूसरे शहरों में जाइए, दूसरे मुल्कों में जाइए, जरा सी बारिश का होता है इम्कान, वो पूरे के पूरे टाउन खाली करा देते हैं। तो आपकी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आफत ज़दा इलाकों को खाली क्यों नहीं कराया? इसलिए नहीं कराया कि उन्होंने खुद नाले बंद करे थे, और नाले बंद करके उनकी प्लानिंग ये थी कि लोग पानी जमा होगा, लोग मरेंगे, करंट लगेगा, करंट से मरेंगे, पानी घरों में भरेगा उससे मरेंगे। तो बराए मेहरबानी इनकी इन चलाकियों को समझें, और आप लोग अब जो है इस तरह की चीजों को समझने के समझें बहुत अच्छी तरह से। किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग बाशऊर हैं, माशाल्लाह से अकलमंद हैं, तो इन चीजों को आप लोग अच्छी तरह से समझें कि ये सिर्फ बदनाम और लोगों को तबाह करने के लिए, कराची को खत्म करने के लिए ये पानी जमा किया गया। तो इसलिए आप लोग जैसे डिफेंस के लोग आज रोडों पे निकले, इसी तरह अब आपका टाइम है कि आप सब भी बाहर निकले, इनसे ना डरे। जिस दिन सारी अवाम बाहर निकल आई, ये खुद आपसे डर के भाग जाएंगे। ये डरपोक हैं, ये सिर्फ पीछे से वार करते हैं। ये इनका पीछे से वार था कि नाला बंद करके, इन्होंने मेन नाले बंद करके इन्होंने लोगों को तकलीफें दी, और उन तकलीफों से इनको फायदा हुआ। अब ये लोगों से भीख मांग के पैसे जमा कर रहे हैं और अपने अकाउंट में अपने औलादों के ऊपर खर्च करते हैं ये पैसा। बराए मेहरबानी इस बात को समझें। अब आप लोगों का टाइम आ गया है कि घरों से बाहर निकलें। दूसरी बात, पाकिस्तान कराची के अंदर ये बड़ी बात चल रही है, सूबा बनेगा, सूबा बनेगा, सूबा बनेगा। कौन बनाएगा सूबा? ये इमरान नियाजी साहब, आप हमारे बगैर ये सूबा नहीं बना सकते। हमने सूबा नहीं बनाना, हमने पूरा सिंधु देश बनाना है। और जब आप गवर्नर को इख्तियार नहीं दे सकते तो आप सूबा क्या बनाएंगे? आपने जिन लोगों के घर तोड़े उनको छत नहीं दे सकते तो आप सूबा कहाँ बनाएंगे? तो बराए मेहरबानी ये सूबे की बात ना करें, और इसको जो है लोगों को तकसीम ना करें। आपने सिंधु देश को हमने बनाना है और आप इसको बना के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। आपने भी इसके अंदर हामी भरनी होगी अगर आपने इस जमीन पे रहना है। अगर नहीं रहना है तो दफा हो, जहां जाना है वहां जाए, लेकिन सिंधु देश बनेगा और बनेगा और बनेगा। सिर्फ एक शख्स है जो कि वो हर चीज को कंट्रोल कर सकता है, उसका नाम है अल्ताफ हुसैन भाई। बराए मेहरबानी आप लोगों से गुजारिश है कि इन लोगों की बातों पे ना आए। ये सिंधी महाजिरों को लड़ाना चाहते हैं, सिंधियों से कुछ कहते हैं, महाजिरों के लिए सूबा बनाने की बात करते हैं, ये सब बकवास है। तो बराए मेहरबानी इनकी बातों में ना आए। और मैं आखिरी बात के 9/0 को खोलना चाहिए, अल्ताफ हुसैन भाई के ऊपर से फौरी तौर पर सारी पाबंदियां खत्म करनी चाहिए। अल्ताफ हुसैन भाई को अपने लोगों से बात करने की इजाजत दी जाए। अब
अल्ताफ भाई को हर तरह से अपने मुल्क में शामिल होने की भरपूर इजाजत दी जाए। 90 खोलें और आप लोगों से भी गुजारिश है कि 90 खोलने की जद्दोजहद करें। शुक्रिया। मेरा बयान थोड़ा सा बड़ा हो गया है, लेकिन इसको जरूर सुनिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।